गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं मौसम आज यहाँ पे कितना अच्छा है। हमारे यहाँ पे मानसून आ चुका है और ये मेरा बेटा, इसको बारिश में खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मम्मा चलो छत पे चलो छत पे चलो, तो मैं इसको लेके आई हूँ अभी छत पे। मैं दिखाती हूँ आपको हमारी छत का नज़ारा। ये देखिए कितनी तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है। और ये देखिए हमारी छत पर छोटू सा गार्डन है। ये अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं इसमें, बट बहुत ज़्यादा तो इसमें तुलसा जी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो कल्चर है, तुलसा जी को बिल्कुल हम लोग भगवान की तरह मानते हैं। तो बहुत सारे इसमें तुलसा जी को घर में रखने का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि तुलसा जी ही एक ऐसा प्लांट होता है जो कि 24/7 आपको ऑक्सीजन देता है। ये देखिए एलोवेरा भी है यहाँ पर, और ये इसका क्या नाम है मुझे सच में नहीं पता। ये देखिए बिल्कुल एकदम काले बादल और बारिश, पता नहीं आपको कैमरे में बारिश नज़र आ रही है या नहीं, लेकिन बहुत तेज़ हवा, और बहुत तेज़ हवा का तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन प्लांट्स को देख के। काफ़ी तेज़ हवा है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, मतलब पानी भी एकदम फोन पे आ रहा है मेरे। एक ये मेरा बेटा देखिए, इसको बारिश में भीगना पसंद नहीं है, लेकिन इसको बारिश में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको छाता लेके खेलना पसंद है, पता नहीं क्यों। मन तो मेरा भी कर रहा है बारिश में भीगने का, बट अगर मैं बारिश में भीगूंगी ना तो मैं फिर व्लॉग नहीं शूट कर पाऊंगी। नूनू हाय बोलो, हेलो हेलो बोलो सबको। इसको ना मैंने ट्रिमर से ना टकला करा दिया। एक्चुअली मैं गई हुई थी अपनी मम्मी के घर, और वहाँ पे मेरे भाई ने इसको पकड़ के ट्रिमर से सारे इसके बाल उड़ा दिए। ये देखिए यहाँ पे बस यही करना होता है इसको, यही करना होता है। तो बहुत तेज यहाँ पे बादल गरज रहे हैं, आपको शायद आवाज सुनाई भी दे रही होगी। ये देखिए नजारा, मैं छाता लेके आई हूँ अभी, लेकिन अभी भी मेरे फोन पे ना पानी आ जा रहा है और हवा की आवाज़। ये देखिए शायद आपको वीडियो में सुनाई दे हवा की आवाज़। ये देखिए इसकी आ गई है साइकिल, ये साइकिलिंग चैंपियन बनेंगे हमारे साथ। मतलब छत पे से बारिश को देखने का मज़ा ना कुछ अलग ही होता है। बेटा आप साइकिल पे छाता कैसे ले पाओगे, नहीं ले। और ये देखिए प्लांट्स कितने खुश हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है ना, सबसे ज़्यादा मज़े तो इन प्लांट्स के ही हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारे जैसे गार्डन ना, हमारे सामने वाली छत पे भी है एक। ये देखिए हमारे सामने वाली छत पे भी ना एक सुंदर सा गार्डन बना है, उन्होंने चारों तरफ। मैं उनका घर था ना मेरे बिल्कुल रूम के सामने है, और जैसे ही सुबह सुबह निकलते हैं और एकदम ग्रीनरी दिखती है ना, बहुत एकदम फ्रेशनेस फील होती है उस टाइम पर। मेरी पूरी स्क्रीन पर पानी पानी हो चुका है, बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और तेज़ होती जा रही है, और तेज़ होती जा रही है। और ये देखिए इतनी तेज़ हवा है कि इसने छाते का क्या बना दिया है, पता नहीं, ये पूरा छाता उल्टा हो गया है। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है। नोनू बेटा इसको जब हवा आएगी ना तो इसको हवा के सामने कर लेना, तो ये वापस से ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या बना दिया इसने छाते का, जब तक ये टूट नहीं जाएगा ना छाता तब तक इसको मज़ा नहीं आएगा। बहुत तेज़ बारिश है, ऐसे में तो बस चाय और पकौड़े मिल जाएं तो मज़ा आ जाए। ये देखिए छाते का तो इन्होंने क्या कर दिया है, और अब ये साहब चलाएंगे साइकिल। इसको खेलना छतरी से ही है, लेकिन अभी ये खेलने लायक छोड़ी नहीं है इसने। और ये देखिए अभी भी पीछे ही पड़ा हुआ है इसके। नोनू इसको छोड़ दो बेटा, अब आपसे नहीं होएगा ये, छोड़ दो इसको। अभी ये परेशान है कि इसको ये कैसे ठीक होगी। इतना मज़ेदार मौसम है ना, ऐसे मौसम में तो बस चाय पकोड़े हों
वो मज़ा आ जाए। लेकिन ना तो ये चाय का टाइम है और ना पकोड़ों का, ये टाइम होने वाला है हमारा लंच का, तो इसलिए हम ना अभी चाय पियेंगे ना हम अभी पकोड़े खाएंगे। ये मैं आपको एक और बच्चे से मिलवाती हूँ हमारे घर के, ये देखिए हमारा छोटू राम। सुना हेलो बोलो, सुना बोलो। अच्छा इसको एक्चुअली हेलो करना नहीं आता, सुना बाय, सुना बाय कर दो कैमरे में, बाय कर दो। ये भाई को देखने में लगा हुआ है अभी, ये भाई को देखता रहेगा, खुश होता रहेगा यहीं से। इसकी बेचारे बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसको भी हमने टकलू कर दिया था घर में ही। सोनू अभी इसका मन कर रहा है कि भाई के साथ। क्यों गुस्सा, टकलू बोल दिया? अच्छा सॉरी गलती से, अच्छा गलती से बोल दिया। देखो आ गया भाई, आ गया। अभी इसको लग रहा है कि भाई अकेला क्यों खेल रहा है यहाँ पे, मुझे क्यों नहीं खिलाया था, तो ये इसलिए इरिटेट हो रहा है। इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसको वैक्सीन लगा है अभी 16 महीने वाला, तो इसकी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो मेरा छोटा बच्चा सुना, जिधर देखो ना कैमरे में, कहाँ देख रहे हो आप? बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो, चलो चलो बाय करके चलेंगे, बाय कर दो करो। ये बहुत ज़्यादा ही कैमरा कॉन्शियस है, ये कोई भी हरकत करता है और इसके सामने कैमरा लेके आऊँ ना, ये वहीं बिल्कुल बंद हो जाती है इसकी हरकतें। ये अभी भाई को देखने में बिजी है, इसका भाई कर रहा है शैतानियाँ। चलो दिखाएंगे भाई को भी, देखेंगे। ये देखो भाई कर रहा है शैतानियाँ और ये साफ बिजी है भाई को देखने में, है ना बाबू? तो ये बारिश तो पता नहीं कब तक आने वाली है, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है हम लोगों को छत पे आते हुए और भीगते हुए इसको, तो इसको अब लग जाएगी ठंड, इसलिए मैं इसको लेके जाती हूँ अब नीचे चेंज करने के लिए, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा और मेरा ही काम बढ़ जाएगा। बोलो चलो अब नीचे, ये देखो अभी भी जाने का नाम नहीं है इसको। अभी लंच का भी टाइम हो रहा है तो हम जाएंगे अब लंच करने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।